हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो के साथ आप लोग के लिए वापस हाजिर हो चुका हूँ। अभी अभी जस्ट सो रहा था तो गाइस टाइम हो रहे हैं 10 बजने को आया है, 20-25 मिनट बाकी है गाइस। तो अभी हमारे यहाँ रमज़ान का महीना चल रहा है तो पूरा रोज़ा रख रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी पूरा रखेंगे। तो आप लोग भी पूरा रोज़ा रख रहे हैं कि नहीं, बा एक दो करके भी रख रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही जस्ट मैंने आप लोग से पूछा कि आप लोग भी रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है ना सुन के। स्कूल उल काफ़ी बिखरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अभी अभी नींद से उठा हूँ गाइस, तो आज चलेंगे कहीं थोड़ा घूमने। ऐसे ही जाएंगे, इधर उधर थोड़ा घूमेंगे गाइस, दोस्तों के साथ बात उत करेंगे, फिर आपका इधर उधर कहीं वहीं घूमेंगे अपना यहाँ लोकल एरिया में अपना, आप लोग को दोस्त लोग से भी मिला देंगे। तो वीडियो में आगे बने रहें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा कि मैं आज आप लोग को पूरा दिन मतलब दिखाने वाला हूँ, मैं क्या क्या करूँगा, इफ्तारी करूँगा, वो सब भी आप लोग को दिखाऊँगा। तो गाइस वीडियो में आगे बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ब्लॉग वापस कंटिन्यू हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, हमारे यहाँ 3:35 अभी बज रहा है और आपका चार या चार पंद्रह में शायद अजान होता है। तो उस टाइम में जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के उसके बाद सीधा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और आप लोग को वापस दिखाएंगे गाइस। तो वीडियो में आगे बने रहें। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब मेरा बहन का मतलब स्कूल है इधर, वो स्कूल का नाम है शिशुनिकेतन, तो उसी गली से मैं जा रहा हूँ, तो उसका स्कूल भी आप लोग को दिखा दूँगा। रोज़ा रखा हुआ हूँ, काफ़ी प्यास लग रहा है गाइस। तो मतलब इधर में मेरा एक दोस्त रहता है अनुज नाम का, तो उससे थोड़ा बात करते करते उसे घर छोड़ दिया गाइस। तो बने रहे वीडियो में, मज़ा आने वाला है आप लोग को, फुल वीडियो देखिए। इफ्तारी करूँगा, वो सब भी आप लोग को दिखाऊँगा गाइस, इफ्तारी में क्या बना है, और आप लोग को मतलब देख के टेस्टी लग रहा है कि नहीं ज़रूर बताइएगा गाइस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। वीडियो में आगे बने रहें। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, यही है मेरा बहन का स्कूल, शिशुनिकेतन हाई सेकेंडरी स्कूल। तो यही है हाई सेकेंडरी स्कूल मेरा बहन का है, मतलब मेरा बहन यहाँ पढ़ता है गाइस। तो वो देख सकते हैं यहाँ में कुछ इस तरीके का रास्ता है, जो लोग आउट ऑफ गुवाहाटी के हैं वो लोग देख के एड्रेस पता कर सकते हैं मेरे वीडियो में। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग को तो ये रास्ता पता ही है, वो लोग यहाँ से डेली आता जाता रहता है। तो गाइस आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि मैं रमज़ान में मतलब क्या क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो रोज़ा रख के मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को मतलब जस्ट छोटा मोटा मेरा लाइफ स्टाइल आप लोग को आज का दिखा दूँगा गाइस। और फिर इफ्तारी करके सीधा रात को एकदम जाएंगे नमाज़ पढ़ने, वो भी आप लोग को शायद दिखा दूँगा मैं। अगर आप लोग को देखना होगा तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सेकेंड पार्ट बना के दिखा दूँगा। तो आज हम क्या हुआ, हेलो हेलो, क्या नाम है तुम लोग का? रियम। रियम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर, आई एम बिग फैन, आई स्टडी फैकल्टी हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा लगा तुम लोग से मिलके, कहाँ इधर रहते हो? नहीं, ट्यूशन करने आते हैं। ट्यूशन करने आते हैं, क्या नाम है जरा बता दो? दर्जिन। तो देख सकते हैं गाइस, ये मेरा काफी बड़ा फैन है, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को, ऑल टाइम फेवरेट वीडियोस। तो बाबू अच्छे से ट्यूशन करो, पढ़ाई लिखाई करो, तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो क्या? बनना चाहते हो? ठीक है, एक दिन हम मिलेंगे, मैं तुम्हें चैनल खोल दूंगा। ठीक है, ठीक है बाबू, चलते हैं। मेरा घर इधर ही, मैं कुमार पड़ा में आगे, ज्यादा दूर नहीं। भैया अभी आप किधर जा रहे हैं? ये ब्लॉग कब आएगा? ये ब्लॉग तुम्हारा कल परसों तक आ जाएगा। भैया इसमें फोटो खींच दीजिए ना। आपका सर मेरा साथ फोटो खींचोगे? नहीं भैया, मतलब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये वीडियो का। हाँ, प्लीज।
तो गाइस ये कह रहा है मेरे साथ एक फोटो लेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस फर्स्ट टाइम मुझे एक मतलब एक फैन मिला, तो ऐसा फैन मिलने से ना मतलब काफ़ी मोटिवेशन आता है गाइस। तो ये लोग मेरे चैनल को जानते नहीं हैं, लेकिन मुझे यूट्यूबर देखा ना ये लोग, तो काफ़ी मतलब ये लोग का माइंड में एक अलग ही प्यार जाग उठा। तो ऐसा अगर मिलता है ना मतलब फैन बस सब्सक्राइबर मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। अभी जो मेरा जो सब्सक्राइबर मुझे मिला ना, काफ़ी अच्छा लगा गाइस। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग। तो आप लोग जो पुराना वीडियो में काफ़ी आपका सपोर्ट दिखा रहे हैं, उससे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ऐसे अपना प्यार जताते रहे और दिखाते रहे वीडियो में। और ऐसा जब मिलता है ना कोई फैन यार, सच में मज़ा आ जाता है, क्या कहूँ आप लोग को। तो वीडियो में आगे बने रहें, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चलिए अभी फिलहाल चलते हैं सीधा घर की ओर। तो घर जाके पहले थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे, हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ा रेडी वगैरह होंगे, मस्जिद जाएंगे, फिर मस्जिद से आके थोड़ा ब्लॉग एडिट करेंगे, उसके बाद थंबनेल वगैरह बनाएंगे। रात का शायद ब्लॉग आ जाएगा या कल तक का ब्लॉग आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने मेरा जो फैन लोग था वो लोग को गाइस मैंने बोल दिया है कल तक ब्लॉग आएगा ही आएगा, तो वो लोग अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो गाइस क्या बोलूँ आप लोग को, दिल से मतलब अच्छा लगता है दिल से। रेंडमली वो लोग मुझे पकड़ लिए गाइस, बिग फैन कहता है गाइस, क्या कहूँ। मतलब आप लोगों को मेरा चेहरा में अलग ही खुशी नजर आ ही रहा होगा, तो देख सकते हैं यहाँ में काफ़ी वगैरह काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ का दुकान वगैरह है। यहाँ में हम लोग का स्ट्रीट फूड का दुकान भी काफ़ी बैठता है रात को, बढ़िया बढ़िया दुकान वगैरह है। तो गाइस देख सकते हैं ये गली का अंदर मेरा भाई पड़ता है। और गाइस आज मैं मतलब आप लोग के लिए, आप लोग को अगर देखना हो वीडियो का नया कुछ टॉपिक वगैरह के लिए, तो कमेंट ज़रूर करिए। और फिर क्या गाइस मैं आप लोग कुछ बोलने जा रहा था, भूल गया, याद नहीं आ रहा है, छोड़िए गाइस बात नहीं की उससे बाद में कहूँगा आप लोग। तो फिर अभी चलते हैं घर जाके रेस्ट करेंगे थोड़ा, बहुत गर्मी है गाइस। कल परसों से हमारे यहाँ ना बहुत गर्मी दे रहा है, रात को लेकिन बारिश भी देता है, रात को पूरा ठंडा कर देता है, फिर कल रात से लेकिन गर्मी भी लग रहा है। और क्या करूँ आप लोग, गर्मी ठंडा यहाँ में चलता रहता है। ये रोजा का महीना में ना बहुत मतलब क्या बोलूँ आप लोग। अभी मैं आप लोग के साथ इतना बात क्यों कर रहा है आप लोग को पता होगा कि मैं रोज़ा रखा हुआ हूँ, पेट भी काफ़ी खाली है, माइंड भी काम नहीं दे रहा है, इसलिए जो मन में आ रहा है वही बक रहा होगा। ये हमारे यहाँ बास्किन रोबिंस खुला है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। और हमारे यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल जाएगा। यहाँ में हम लोग का डोमिनोज भी खुल चुका है, बास्किन रोबिंस खुल चुका है, बहुत कुछ खुल चुका है यहाँ में हम लोग का। स्ट्रीट फूड भी काफ़ी आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ में बहुत कुछ, शाम के टाइम में मैं आप लोग को किसी दिन ब्लॉग बना के दिखाऊंगा ना, तो आप लोग तो देख के क्या ही बोलोगे, यहाँ में स्ट्रीट फूड काफ़ी बैठता रहता है, स्ट्रीट फूड यहाँ में बहुत बैठता है, दुकान काफ़ी लगता रहता है इधर। तो वीडियो में आगे बने रहें, वीडियो लंबा होने वाला है, और आज मैं उल्टा फुल्टा बहुत भी बक चुका हूँ आप लोग के साथ। तो गाइस हमारा गली के बाहर आ चुके हैं, गली के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, सीधा घर के अंदर जाके मिलेंगे। मतलब वीडियो स्किप बीच में नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग के साथ घर में जाके मिलूँगा, गली में आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी जाएंगे रिफ्रेश होके, पूरा निकलेंगे थोड़ी देर बाद बाहर वापस। और फिर और आज मुझे रेंडमली मेरा सब्सक्राइबर मिल गया गाइस आप लोग। तो फिर वीडियो में आगे बने रहे, कुछ मतलब बच्चे लोग आ रहे हैं, इन लोग को आप लोग ने देखा था ना वो इंटरव्यू में, जो क्रेजी इंटरव्यू था। तो
अभी हम घर जाके बस कल का वीडियो वापस कंटिन्यू हो चुका है। तो कल आप लोगों को मैंने कहा था इंस्टाग्राम में कि आज तक व्लॉग आ जाएगा वो वाला जिसमें मुझे मेरा फैन लोग मिला था, लेकिन क्या हुआ कि कल मैं बना नहीं पाया घर में, मतलब कुछ अच्छा खासा इफ्तारी नहीं बना था ना, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो सबका नहीं दिखाया। तो आज दिखाऊंगा, शायद नहीं भी दिखा सकता हूँ मतलब मस्जिद उजिद में जाके, लेकिन गली में यहाँ में बच्चे लोग, मतलब क्या हुआ मैं मस्जिद गली में आया तो बच्चे लोग का एक अलग ही टैलेंट मुझे नज़र आया, तो वो गेम भी गाइज नेशनल गेम जरूर बनना चाहिए। देखिए गाइज आजकल हमारे इंडिया के बच्चे ना काफ़ी गोली खेलते हैं, ये देखिए गाइज काफ़ी बढ़िया तरीके से लोग खेल रहे हैं, देखिए काफ़ी चाव से खेलते हैं लोग। बाबू तुम लोग कैसे खेलते हैं, अरे कैसे खेलते हैं, अच्छा लगता है खेल के वो हाँ। कैसा लगता है बाबू, अच्छा लगता है, चलो तो देखते हैं कैसे खेलते हैं तुम लोग आज, चलो चलो देख सकते हैं गाइस यहाँ में घू घू पड़ा हुआ है लोग का अलग ही टैलेंट है, ये देखिए गाइस दिख रहा होगा शायद आप लोग को ऊपर का ऊपर ही भेज के जो खेल रहा है। तो गाइस देख सकते हैं ये लोग काफी टैलेंट और काफी मतलब चाव से खेल रहे हैं, ये देखिए गड्ढा में घुसाए गए ये उसके उसका पीछे नीचे वो हाँक देता है खेल के लिए गाइस काफी मजा आ रहा है रुको ना घूमे घूमे मारना तो गाइस इसने फूटा से निकाल दिया अभी मार्बल को तो गाइस इसने इतना दूर फेंक दिया। गाइस देख सकते हैं वापस हमने आप लोगों को जो बच्चा लोग का मार्बल खेलना दिखाया, तो उसके बाद मैं भी आज एक चैलेंज करने जा रहा हूँ जो मेरा दोस्त आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग आओ दिखा दो चेहरा दोस्त लोग को, तो अपना नाम भी बता दो नहीं हो जाएगा अनुज नाम है गाइस इसका, इसने का करना पड़ता है काफी पढ़ाकू बच्चा है, जिम भी करता है इसका, बॉडी भी काफी अच्छा है, तो इसके साथ मैं आज थोड़ा पंजा खेलूंगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा कमेंट में बताइएगा तब तक कौन जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पंजा, चलो आओ करते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट लगाया हम तो लगाया ही नहीं है, नहीं लगाया लगाया लगाओ गिरो तुम नहीं लगाया था अभी तक हमको पता है गिराओ ना लगाया तुम गिराने बोला ना हमको बैठने का एंगल तो ठीक करने का गाइस इसका शरीर में बहुत दम है गाइस नहीं सका मैं हार गया, हाथ पूरा दुख रहा है, क्या बताऊं गाइस बोलो का मार्बल का गेम भी मुझे समझ नहीं आया कैसे जीतता है पता नहीं, और इसका खेलने का तरीका भी समझ में नहीं आया, बहुत तगड़ा खेलता है ये गाइस। वीडियो में आगे बने रहे, वीडियो आज से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे और भी कुछ आप लोग को दिखाऊंगा स्पोर्ट्स खेलेंगे, आज हम लोग कुछ अनोखा अनोखा तरीका के स्पोर्ट्स खेलेंगे गाइस, तो वीडियो में आगे बने रहे। एक और हम लोग को टॉपिक मिल गया है, मतलब टोटो वाला लोग को थोड़ा उल्लू बनाएंगे कि स्टैंड गिरा हुआ है, रिक्शा वाला लोग को कहेंगे, तो चलिए करते हैं। सर्चिंग फॉर स्टैंड स्टैंड देखने स्टैंड देखने आया था ये भी देखता है अरे क्या स्टैंड गिरा हुआ है, चलो आइए 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 कौन आप लोग हो कहते हैं आप लोग और अबे ठेला वाला को नहीं ठेला वाला को पता चल जाएगा और साइकिल और चल
देख सकते हैं इस बकचोदी को, ये बकचोदी फुल ऑन टू चल रहा है। तो आइए गाइस, आपको कुछ दिखाते हैं। रिक्शा आया, जल्दी जा, जल्दी जा। क्या बोला वो? हाँ, क्या बोला रिक्शा वाला? रिक्शा वाला बोलता है हम जानते हैं स्टैंड नहीं होता है, कोई नहीं देखते हैं। चल है। स्टैंड गिरा हुआ है। यार ये वो स्टैंड गिरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर का आप लोग को पूरा टूर करा दिया, तो सेकंड फ्लोर में चलते हैं गाइस। चलिए आइए, चलो। ये बैग भी देगा ना? हाँ, वो सब खरीदना पड़ेगा। कितना? पता नहीं, खरीद लेगा, मेरा होलसेल दुकानदार है बोला हूँ। तो गाइस चलिए, यहाँ में भी है जिम, यहाँ सेकंड फ्लोर का आप लोग को टूर करा देते हैं। यहाँ में तो कोई फिलहाल है नहीं। ना ऑन मत करो, सकते आप लोग। हाँ, यहाँ में काफ़ी वगैरह फैसिलिटीज़, यहाँ में काफ़ी इक्विपमेंट आप लोगों को काफ़ी मिल जाता है। यहाँ में देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ में जिम करता हूँ। फिलहाल तो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम हम लोग का चल रहा है। तो मेरा दोस्त यहाँ में भाई साइकिल वाला एक्सरसाइज कर रहा है, देख सकते हैं। वो तो ऑन है। कौन सा ऑन है? ये ऑन सेटिंग वटिंग करना पड़ता है ना, चल रहा है क्या? पता नहीं, मत करो, हम ट्रेडमिल किया नहीं है। मत करो, आ जाओ, छोड़ दो, मत करो, बोल रहे हैं बेकार, फिर लफड़ा हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ में, आप लोगों को सेकंड फ्लोर का भी टूर करा दिया गाइस। तो चलिए अब थर्ड फ्लोर चलेंगे गाइस। गाइस तीन तल्ला में जा रहे हैं अभी, चलिए चलते हैं। तीन तल्ला का आप लोगों को टूर करा रहे हैं, आइए। तो गाइस यहाँ में भी देख सकते हैं काफ़ी प्रोफेशनल जिम है ये, बहुत कुछ इक्विपमेंट आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ एडमिशन फीस नहीं लेता है, खाली ओनली आप ज्वाइन करके मंथली 2000 करके दे सकते हैं। और बाकी भैया से आप बात करिएगा, हम लोग का नाम लीजिएगा तो आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। और आगे में जो खाओ पियो भैया का एक और रेस्टोरेंट है ना, तो भैया ने हमें वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए बुलाया है 1 तारीख को। तो हम वहाँ चलेंगे, तो जाके ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, कुछ कुछ खाएंगे, खा पी के देखेंगे कैसा लगता है टेस्ट वगैरह। और अभी आप लोग यहाँ देखिए, भैया ने हमें कहा है जाओ ब्लॉग बना लो। तो वीडियो में आगे बने रहे, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को। गाइस देखिए, इसमें बचपन में कितना खेला करते थे पहले, लेकिन ये कुछ अलग ही टाइप का, ये जिम करने का नहीं है गाइस। तो
तो देख सकते हैं जिम का बाहर का नजारा। ये देखिए गाइस जिम का बाहर का नजारा जिस तरीके का है। कौन सा और पसंद आया है, मतलब वो यूज़ करेगा तो नीचे जाते हैं। चलिए 85 kg अभी ट्राई करेगा, तो चलिए गाइस नीचे। हम लोग यहाँ में घूम रहे थे तो अचानक से हमें कॉस्को बॉल दिखा। देख सकते हैं गाइस इतना बड़ा है, बहुत भारी है लेकिन ये गाइस देख सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा जिम, मेरा दोस्त यहाँ में नया एडमिशन लेगा, ये अनुज। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग विदाउट स्किप करें वीडियो फुल देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को। हमने पूरा जिम का टूर आप लोगों को करा दिया, कैसा लगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा एड्रेस का, वहाँ के आप लोग सीधा यहाँ जिम में विजिट कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल घर जा रहे हैं, तो भैया तो यहाँ में नहीं है, तो चलिए कंटिन्यू फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से हम भी जिम वापस कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। तो क्या है कि मैंने एक और मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्ती कह सकते हैं, बड़ा भैया जैसा शाहिद फिट ब्लॉग को तो आप लोग जानते होंगे, वो आर्या विद्यापीठ कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भैया भी इधर ही में जिम करते हैं, मैंने उनका वीडियो पे देखा है। तो वो लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उन्होंने एक बार जिम में ब्लॉग बनाया था, तो मैंने उनका वीडियो देखा था। तो वीडियो में आगे बने रहे, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भी आगे वीडियो आप लोग को कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग इतना तक ही था, मैं आप लोग को आगे दिखाने वाला था लेकिन नहीं दिखाया, इफ्तारी भी नहीं दिखाया, वो आप लोग को नेक्स्ट किसी दूसरा पार्ट वीडियो में दिखा दूंगा। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही था, तो बाय गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बाय गाइस।